क्या आप जानते हैं सलमान खान के कहने पर गोविंदा ने अपनी एक फिल्म छोड़ दी थी। आइए उठाता हूँ पर्दा एक ऐसी गुमनाम कहानी के बारे में जिन्हें लोग जानना चाहते हैं। बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान और गोविंदा बहुत अच्छे दोस्त हैं। इतने अच्छे कि गोविंदा ने सलमान के लिए अपनी एक फिल्म भी छोड़ दी। एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने इसका जिक्र किया था और पूरा किस्सा बताया कि क्यों और कैसे उन्होंने सलमान के लिए फिल्म छोड़ दी। गोविंदा ने बताया, उस वक्त मेरा करियर बुलंदियों पर था और मैं उस वक्त बनारसी बाबू की शूटिंग कर रहा था, साथ में फिल्म जुर्मा भी मेरे पास थी। कुछ दिनों के बाद जुर्मा की शूटिंग चलने लगी। एक दिन रात में 2-3 बजे के आसपास सलमान भाई का मेरे पास कॉल आया। उसने कहा, भैया आप और कितनी हिट्स फिल्म देंगे? मैंने उससे पूछा, क्यों क्या हुआ? उसने कहा, आप जिस जुर्मा फिल्म की शूटिंग अभी कर रहे हैं उसे प्लीज छोड़ दीजिए और मुझे दे दीजिए। इसके बाद मैंने सलमान के लिए वह फिल्म छोड़ दी। मैंने जुर्मा का प्रोजेक्ट बस शुरू ही किया था और फिर सलमान के लिए उसे छोड़ भी दिया, क्योंकि खान परिवार मेरे लिए परिवार जैसा है। हम दोनों परिवार के बीच जो प्यार और बॉन्डिंग है वो किसी फिल्म की वजह से इफेक्ट नहीं हो सकती। गोविंदा ने बताया, उन्होंने किसी भी प्रोजेक्ट को सलमान और उनकी दोस्ती के बीच कभी नहीं आने दिया। दोस्तों आपको बताते चलूं कि साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म जुर्मा सलमान की हिट फिल्मों में से एक है। फिल्म में सलमान के साथ करिश्मा कपूर लीड रोल में थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने। इसके बाद साल 2017 में इस फिल्म की रिमेक भी बनी।